इधर अमरोहा के गजरौला क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना हुई जब ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र सिंह के स्कूल के मिनी बस पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। तीन बाइक सवार बदमाशों ने SRS स्कूली मिनी बस को निशाना बनाया। बस में कई बच्चे सवार थे और अचानक फायरिंग की आवाज़ सुनकर बच्चों में चीख पुकार मच गई। फायरिंग की आवाज़ सुनकर बस के चालक ने तुरंत स्थिति को समझा और बिना समय गंवाए बस को गजरौला थाने में पहुंचा और घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने बदमाशों की पहचान के लिए इलाके में तलाशी अभियान चलाया और स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाई। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्या घटना होती है वहाँ पर बस में? वहाँ पे पहले तो कुछ तीन लड़के थे, वहाँ पे जा तो कुछ देखा नहीं, पर वहाँ पे उन्होंने पहले तो पत्थर फेंका और फिर फायरिंग करी। अच्छा, फायरिंग किस पे करी? वैन पे, जो आपके ड्राइवर थे। कितने लोग थे? तीन लोग। तीन लोग थे। क्या बाइक पाए थे? फिर नहीं हो रहा था, तीन बाइक पाए थे। गाड़ी आपकी रुकी हुई थी या रोकी उन्होंने आगे लगा? उन्होंने रोकी। अच्छा, कहाँ रहते हो? क्या घटना आपके साथ? मेरे साथ गाड़ी देखा था 740 समथिंग, और जो है तीन मिनट में रोक के गाड़ी बंद करा, कड़े से पत्थरों से गाड़ी बंद करा, फिर गाड़ी में भगा के स्कूल गया। कितने बच्चे सवार थे बस में? बस के अंदर 18 बच्चे। अच्छा, किसी को चोट उठ नहीं? बस कोई बच्चे सेफ है ना? तो कोई पुराना विवाद उनसे जानते होने को? जाँच नंबर उन्होंने डाटा मिली। तो आपकी गाड़ी रुकी हुई थी या उन्होंने रोकी? नहीं, मेरे तो गाड़ी आगे, उन्होंने गाड़ी रोकी है जी, आगे लगा के। किस जगह की घटना है? ये नगला से जो रास्ता खाक द्वारा है। अच्छा, नगला के आसपास की। तो फिर आप गाड़ी लेके आए तो आपके पीछे पीछे भी आए हो? वो हाँ, 1 किलोमीटर पीछे लगा है बाइक लेके। ठीक, मैंने गाड़ी खाक में ला के बांट दी। उसके बाद वो फिर वहाँ से बच्चे उतार गए। तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया था वहाँ से? पुलिस पहुँची वहाँ? ठीक। आज सुबह गजरौला थाना क्षेत्र में एक स्कूल बस के ड्राइवर ने सूचना दी कि स्कूल जाते समय दो तीन व्यक्तियों ने बस को रुकवा कर ड्राइवर को निशाना बनाते हुए उसकी खिड़की के नीचे की तरफ फायर किया। सूचना पर मौके पे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया है। ड्राइवर के द्वारा अवगत कराया गया कि आज से 4 दिन पूर्व एक स्कूटी की बस से टक्कर लगने को लेकर संबंधित व्यक्ति से ड्राइवर का विवाद हुआ था और इसी व्यक्ति ने अपने दो साथियों के साथ में आज यहाँ पर ये घटना कारित की थी। ड्राइवर से तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।